दोस्तों देखो आज खड़े हैं हम मानकुर के कुरला स्क्रैप एसोसिएशन के अंदर, जहां मानकुर के दूसरे डंपिंग ग्राउंड की खबरें आज भी में एक महीने पहले से प्रकाशित की गई थी। आगाह भी किया गया था कि मानकुर के इस कचरे के कारण कई लोगों की जानों को खतरा बना रहता है, लेकिन आज यही परिस्थिति आने लगी है कि देखिए इस लगी हुई कचरे के आग के कारण लोगों को प्रदूषण की कितनी बड़ी ताकत झेलना पड़ता है। ये सामने दिख रही है हमारे सामने मानकुर के बड़ी झोपड़पट्टी के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इनको जान को कोई परवाह नहीं करते हुए प्रशासन इसकी अनदेखी की है, जिसके कारण आज फिर ये झेलना पड़ रहा है। मैंने ही कल ही इस खबरें आज के अंदर जो तेल का और कचरे की न्यूज चलाई गई थी, जिसके कारण मानकुर और प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन आज फिर ये माजरा देखने को मिल रहा है कि जहां आग लग गई है, जिसके कारण लोगों को कितना बड़ी परेशानी के कारण बन गया। इस बारे में जिला चंबूर के जिलाधिकारी उप नायब तहसीलदार से कलेक्टर से इस बारे में बात भी करी गई थी और उसका तोड़क भी कार्रवाई कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन ये व्यापार फिर जिससे जैसा चल रहा है, जिसके कारण लोग यहाँ के परेशान हैं, जिसकी प्रशासन को कोई फिक्र नहीं है कि अब आने वाले दिन में लोकसभा चुनाव का जो प्रयाप आने वाला है और इसकी राजनीतिक आज की आग के लगते हुए फिर चालू हो जाएगा। इस सभी कारोबार करने वाले लोगों को इतनी भी प्रशासन की डर नहीं है कि बिंदास बाहर से कॉन्ट्रैक्ट लेके करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ जो डंपिंग ग्राउंड बनाते हैं और इस डंपिंग ग्राउंड के कारण लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है, जिसके चलते कोई भी समस्या खड़ी हो जाती है।